मणिपुर में हिंसा का भाजपाई खेल। बहुत दिन पहले की बात नहीं है जब भाजपा के नेताओं और टूल किट ने बिहार और तमिलनाडु के बीच नफरत और हिंसा की आग भड़काने की कोशिश की थी। भाजपा और आरएसएस ने सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैला दी कि तमिलनाडु में बिहारियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। समाज में नफरत फैलाने के लिए फर्जी वीडियो बनाए गए, झूठी कहानियां गढ़ी गईं और उन्हें सोशल मीडिया समेत गोदी मीडिया में चलाया गया। देखते ही देखते तमिलनाडु और बिहार में हंगामा खड़ा हो गया। प्रवासी मजदूरों में भगदड़ मच गई। ऐसा लग रहा था कि जल्द ही दोनों राज्यों के लोग एक दूसरे पर टूट पड़ेंगे। लेकिन इस बीच फैक्ट चेकर तमिलनाडु की पुलिस और बिहार पुलिस ने सजगता दिखाई और किसी तरह हिंसा की भड़कती हुई आग पर काबू पाया गया। बाद में बहुत से भाजपाई और आरएसएस के अपराधी पकड़े गए और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। यही खेल भाजपा ने मणिपुर में शुरू किया। यहाँ के मैतेई समाज को कुकी समाज से लड़ा दिया गया। मणिपुर के लोग भाजपा और आरएसएस के इस खेल को नहीं समझ पाए और आपस में टकरा गए। आज पूरा मणिपुर जल रहा है। सांप्रदायिक ताकतों ने मणिपुर को अपने कंट्रोल में कर लिया है। घर जलाए जा रहे हैं, पुलिस पोस्ट पर हमला करके हथियारों को लूट लिया जा रहा है, एम्बुलेंस पर हमले हो रहे हैं, बच्चे बूढ़े जवान और महिलाओं को मारा जा रहा है। अब तक 100 लोग मर चुके हैं, दर्जनों चर्च और मंदिर जला दिए गए हैं, सैकड़ों गांव आग में जलकर स्वाहा हो चुके हैं। मणिपुर की खास सड़कों का लिंक काट दिया गया है जिसके कारण वहां पेट्रोल और खाने पीने की चीजों की सप्लाई रुक गई है। पूरे एक महीने से मणिपुर जल रहा है और भाजपा की निकम्मी सरकार तमाशा देख रही है। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बावजूद हिंसा में कोई कमी नहीं आई है। ये आग कब और कहां जाकर रुकेगी किसी को कुछ मालूम नहीं है। काश आरएसएस और भाजपा को ये बात समझ में आती कि आग भड़काना बहुत आसान है पर उस पर काबू पाना बहुत मुश्किल है।